गाइस। और मैंने मतलब नोटिस किया है यहाँ पे सब मतलब देख सकते हो पीतल का सब है यहाँ पे, तो उड़िया का जो फेमस है पीतल में ज़्यादातर खाते हैं। तो ये गाइस हमारा आइटम आ चुका है, मतलब ये जो चिकन का डिश है और यहाँ पे खाता में ये, तो देखते हैं इसको खा कर ट्राई करते हैं कैसा लगता है कैसा नहीं, ठीक है। तो गाइस अगर मेरा कोई ओडिया वीडियो देखना चाहता है तो इस वीडियो में ज़्यादा नहीं 100 कमेंट कर दो, मैं नया वाला एक मतलब ओडिया चैनल मैं खोलूँगा और ओडिया में वीडियो बनाऊँगा, और किस किस में मतलब कौन कौन चाहता है कि मतलब मैं ओडिया ब्लॉग बनाऊँ और उड़ीसा से कितना लोग देख रहे हैं, तो ये वाला वीडियो में मेरे को कमेंट करिए और मैं उड़िया में इस बेंगलोर में मैं उड़िया में वीडियो बना दूँ। तो ज़्यादा नहीं 100 कमेंट कर दो, मैं नया वाला उड़िया चैनल और उड़िया में ब्लॉग बनाऊँगा, ठीक है गाइस। तो कमेंट कर दो बस। हेलो गाइस, जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं एक मतलब उड़िया रेस्टोरेंट जो यहाँ पे बेंगलोर में है, तो आप लोग को तो पता चला होगा कि मतलब मैं बेंगलोर में पहुँच गया हूँ और बेंगलोर में अभी हूँ। तो ऐसे ही मैं मतलब मैप में सर्च करके ऐसे देख रहा था कि उड़िया रेस्टोरेंट यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है, तो मतलब यहाँ पे एक पास ही है, बस 1-2 किलोमीटर के जाने के बाद यहाँ पे एक पास में है उड़िया रेस्टोरेंट। तो आप लोग को पता ही है कि मैं उड़ीसा से हूँ और यहाँ पे बेंगलोर में मतलब जॉब करने के लिए आया हूँ और जॉब मैं करूँगा, और काफ़ी आज कुछ मतलब ऑफिशियल काम भी है, तो रूम का रेंट एग्रीमेंट और जो पुलिस वेरिफिकेशन ये भी बनाना है, तो इसलिए मतलब वही रास्ता से वो उड़िया रेस्टोरेंट भी पड़ता है, तो वहाँ पे हम जाएंगे और स्पेशल उनका क्या है खाएंगे। तो चलिए, और भी और एक बात बोलना था, तो मैं उड़ीसा से हूँ तो एक डायलॉग भी हो जाए क्योंकि हमें उड़िया तो सब बढ़िया, ठीक है। तो देखते हैं उनका स्पेशल क्या है और गाइस टेस्ट करते हैं उन लोग का उड़िया स्पेशल क्या है, तो फिलहाल के लिए चलिए गाइस। तो गाइस हमारे रूम के कुछ ऊपर से ऐसा व्यू आता है यहाँ पे इस गली में, ठीक है। तो चलिए नीचे चलते हैं और चलते हैं उड़िया रेस्टोरेंट में या उड़िया होटल, जो आज हम खाएंगे उड़िया खाना। और बेंगलोर में आप लोग को पता है बहुत सारे उड़िया लोग रहते हैं, मतलब 90% से तो रहते हैं, 60% लोग उड़िया लोग। तो चलिए चलते हैं गाइस। ये कुछ रहा मतलब बेंगलोर का गली, तो हम गली में जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ मतलब दूर नहीं है वो रेस्टोरेंट, तो काफ़ी मतलब 1-2 किलोमीटर, तो इसलिए हम पैदल जा रहे हैं, ठीक है। और फिलहाल फाइनली हम मतलब हम बेंगलोर में घूम रहे हैं गाइस। तो चलिए चलते हैं वो रेस्टोरेंट कहाँ पे है, तो जाते हैं मैप पे थोड़ा सर्च करें, तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं गाइस। फाइनली गाइस पहुँच गए हम जो उड़िया हमारा जो होटल है यहाँ पे बेंगलोर पे, तो दिखाता हूँ आप लोग। तो ये रहा गाइस मतलब उड़िया डाइन है, तो ये होटल का नाम, तो ये है एक्चुअली होटल, फ्रंट से मतलब ऐसे कुछ दिखता है। तो देखते हैं इसमें उड़िया डाइन जो ये मतलब रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे खाएंगे, देखते हैं इनका कैसा टेस्टी रहता है कैसा नहीं, चलिए टेस्ट करते हैं उनका स्पेशल क्या है और चलिए खाते हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हो मतलब ये उड़िया डाइन में मतलब बहुत सारे जोमेटो वाला आ रहे हैं, मतलब जो पार्सल लेने के लिए, तो काफ़ी मतलब बहुत उड़िया लोग भी हैं इस बेंगलोर में, तो और उड़िया खाना कौन नहीं पसंद करेगा, और उड़िया में बहुत डिलीवरी होता है यहाँ पे उड़िया जो खाना होता है, तो इनका भी बहुत डिलीवरी होता है ऐसे लगता है, क्योंकि जोमेटो वाला बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं और इनका जो पार्सल लेके जा रहे हैं, मतलब उड़िया तो बेस्ट है भाई उड़िया खाना। तो ये रहा गाइस कुछ उड़िया के मतलब मेनू, और काफ़ी सब उड़िया आइटम यहाँ पे लिखा है हमारे जो मेनू कार्ड में, तो देखते हैं इनका स्पेशल क्या है, एक सिलेक्ट करते हैं और ऑर्डर करते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस मैं मतलब सिलेक्ट किया हूँ ये उड़िया डाइन स्पेशल चिकन डिश, ये कुछ 170 है, तो ये मैंने ऑर्डर किया, देखते हैं इसका टेस्ट करते हैं और कैसा लग रहा है कैसा नहीं, तो मैं आप लोग को फीडबैक ज़रूर दूँगा। तो देखते हैं ऑर्डर किया है, बस अवॉइड करते हैं गाइस। और मैंने मतलब नोटिस किया है यहाँ पे सब मतलब देख सकते हो पीतल का सब है यहाँ पे, तो उड़िया का जो फेमस है पीतल में ज़्यादातर खाते हैं, तो यहाँ पे स्पेशल पीतल भी है, तो
काफ़ी मतलब खुश लगा यहाँ पे उड़िया के, मतलब काफ़ी परंपरा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये गाइस हमारा आइटम आ चुका है, मतलब ये जो चिकन का डिश है और यहाँ पे साथ में ये, तो देखते हैं इसको खा के ट्राई कर रहे हैं कैसा लगता है कैसा नहीं। ठीक है, तो गाइस सच में मतलब जो भी हो, मतलब हमने आइटम मंगाया था तो काफ़ी मतलब सब कुछ बढ़िया लगा, और उड़ीसा का खाद्य भाई भल लगे वो नहीं एक ही कथा, तो काफ़ी अच्छा लगा उड़िया खाना। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम भी और जो नेक्स्ट मतलब कहीं भी होगा तो जाएंगे गाइस। ठीक है, तो गाइस खाना वाना सब खत्म हुआ, तो अभी हम जा रहे हैं मतलब रूम एग्रीमेंट का जो पेपर, वीडियो तो बना देते भाई। अभी डिस्टर्ब कर देता है वीडियो बना, तो गाइस अभी हम मतलब जा रहे हैं कुछ मतलब पेपर वर्क करने के लिए जो गवर्नमेंट का, तो रूम एग्रीमेंट बनाना है और पुलिस वेरिफिकेशन जो ये वाला करना है। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जॉब करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब करने के लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए मैं ये सब बनाऊँगा और इसी के बारे में कुछ स्पेशल वीडियो मैं बनाऊँगा रूम में चल के। तो चलिए फिलहाल के चल रहे हैं गाइस। एक महीने दो महीने पुराना था ना अग्रीमेंट, आज डेट होता। तो गाइस मतलब फाइनली मतलब रूम रेंट के लिए हमने अप्लाई कर दिया है अभी इस वाला दुकान में, ये साइबर कैफ है जो, और यहाँ पे एडवोकेट में जो वहाँ पे कुछ काम वगैरह लगता है, और पुलिस वेरिफिकेशन के इसके बाद जो होने के बाद फिर जाऊँगा मैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। तो पहले ये रेंट वाला एग्रीमेंट ये होने दो, फिर बाद में मैं पुलिस वेरिफिकेशन में बनाऊँगा। बेंगलोर का कुछ मैं नज़ारा आप लोग को दिखा देता हूँ, रोड और कैसा कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो बहुत दिनों से मतलब बहुत दिनों के बाद भी मैं बेंगलोर सिटी में, बहुत ही ड्रीम था ये गाइस। तो ये देख सकते हो बेंगलोर का ये रोड। तो गाइस आप लोग को और एक बात बोलना था, जो मैं उड़िया टाइम में जो अगर रेस्टोरेंट में आप लोग भी खाना चाहते हो, तो ये है लोकेशन खुद मुर्गेश पालिया, आप आके मैम में सर्च कर देना उड़िया टाइम। ठीक है, तो उड़िया टाइम सर्च करने लगे तो वहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ पे मतलब वो लोकेशन है। तो बहुत ही काफ़ी टेस्टी रहता है वहाँ पे खाना। ठीक है, मेरे को तो बहुत सक्सेसफुल लगा और बहुत अच्छा भी था। तो रूम जाके मिलते हैं गाइस। ठीक है, गाइस अगर मेरा कोई ओडिया वीडियो देखना चाहता है तो इस वीडियो में ज़्यादा नहीं 100 कमेंट कर दो, मैं नया वाला एक मतलब ओडिया चैनल मैं खोलूँगा और ओडिया में वीडियो बनाऊँगा, और किस किस में मतलब कौन कौन चाहता है कि मतलब मैं ओडिया ब्लॉग बनाऊँ, और उड़ीसा से कितना लोग देख रहे हैं, तो ये वाला वीडियो में मेरे को कमेंट करिए और मैं उड़िया में इस बेंगलोर में मैं उड़िया में वीडियो बनाऊँगा। तो ज़्यादा नहीं 100 कमेंट कर दो, मैं नया वाला उड़िया चैनल और उड़िया में भी ब्लॉग बनाऊंगा। ठीक है गाइस, तो कमेंट कर दो बस। और तो गाइस मेरे पास ना एक मतलब गोप्रो नहीं है, तो इसलिए मैं सब ऐसे कंटेंट आपको दे रहा हूँ, और एक्चुअली मेरा ऐसे सब कुछ कंटेंट नहीं है, मेरा एक्चुअली मोटो ब्लॉग और ट्रैवलिंग में मतलब बहुत सारा इंटरेस्ट है। तो फिलहाल के लिए मेरे पास गोप्रो नहीं है और उसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो जॉब वगैरह कर रहा हूँ, थोड़ा पैसा जमाऊँ और एक गोप्रो लेके बस मोटो ब्लॉग में कब बनाऊंगा, तो इसी सोच में मैं पढ़ा हूँ। ठीक है गाइस, तो एक्चुअली मेरा मतलब खुद का जो अंदर से क्या बोलते हैं, जो ज़्यादा मतलब इच्छाएं होती है ना बहुत सारा जो फील, तो एक्चुअली मोटो ब्लॉग है ऐसा मोस्ट सजना कि मतलब ये मेरा कुछ मतलब इस तरीके से मैं कुछ बनाता हूँ, बस गोप्रो नहीं है तो इसलिए मैं ऐसा वाला सब अभी वीडियो बना दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं डिफरेंट रहता है मतलब मोटो ब्लॉग को देखो और जो फूड ब्लॉगर जैसे होते हैं ना, तो ये वाला जो वीडियो मैंने बना दिया है मतलब फूड ब्लॉगर जैसा, तो ऐसा मत सोचना कि मतलब मेरा खुद का मैं मोटो ब्लॉग ये पैसन छोड़ दिया, तो पैसन तो पैसन रहेगा, बस थोड़ा वेट कर लो एक गोप्रो खरीद दूंगा फिर गाइस
रोड में मचाएंगे गाइस, ठीक है। तो गाइस फाइनली मैं रूम में आ चुका हूँ, और ये वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो मतलब लाइक शेयर कमेंट कर देना। और इस जो रूम का जो मतलब रूम टूर वाला जो मेरा नया रेंट जो रूम, ये वाला टूर आपको चाहिए देखना है तो ये मैं अलग से मतलब रूम टूर वाला ये ब्लॉग बनाऊंगा, ठीक है। और रूम एग्रीमेंट वाला और जो पुलिस वेरिफिकेशन वाला, ये वाला सब कैसा प्रोसेस था कैसा नहीं, ये वाला और एक वीडियो आएगा। तो आज का इस वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना गाइस। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए टाइट है, बाय बाय, जय जगन्नाथ गाइस।